नमस्कार मित्रों, आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग विगत दिनों से सूचना तकनीकी और कंप्यूटर, जिसे आप कहते हैं, उसकी सीरीज लेके चल रहे हैं। तीन सीरीज आपकी हो गई है, चौथी सीरीज आज हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई सारे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं या संभावित प्रश्न हैं कि आ सकते हैं। और बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं, लगातार बहुत निम्न स्तर से उच्च स्तर तरफ चल रहे हैं, तो बहुत आसान है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। इस समय ऐसी ही व्यवस्था है कि आप घर पे होंगे तो घर पे रह के आप अच्छे से अच्छे अपने समय का उपयोग करिए और पढ़ाई करिए। चलिए, हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आपके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सेट फोर का पहला क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन तक हम लोग लास्ट में कर चुके थे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स जो है ये किस प्रकार, किस उपकरण की किस्म है, अर्थात पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स जो है आपका वो किस प्रकार की, किस उपकरण की किस्म है या कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपको याद होगा कि प्रिंटर, जब आपने पढ़ा होगा तो प्रिंटर कई टाइप के होते हैं, लेज़र, ड्रम, इंकजेट, तो उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आपका आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन स्कैनर, तीसरा कीबोर्ड, चौथा माउस। तो पहला ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। 75 का पहला हो जाएगा प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। तो ऑप्शन बी सही होगा, 12। कीबोर्ड की फंक्शन की में F1 से लेके F12 तक रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 77, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? 77 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्लाटर, ऑप्शन बी लेजर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर ही से, या लाइन प्रिंटर के आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़े या आप एप्लीकेशन पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रोक वाइज प्रिंट करता है अक्षरों को, तो वो लाइन प्रिंटर होता है। 78 क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क। जैसे आपने देखा होगा कि ये सारे मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, जॉयस्टिक, ये आपके क्या है? इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 79 क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ऑप्शन ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट प्रिंटर। तो ऑप्शन बी होगा, लेजर प्रिंटर सबसे सही। लेजर प्रिंटर की गति सबसे तीव्र होती है प्रिंटर के मामले में। अगला क्वेश्चन, एलसीडी का पूरा नाम क्या है या एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन ए सही है। 81 क्वेश्चन, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन क्या है, थोड़े से भाव में परिवर्तन होने के बाद आंसर तुरंत बदल जाता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बहुत आराम से क्वेश्चन को एक दो बार तीन बार पढ़िए तो आपको क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो ऑप्शन ए मॉनिटर होगा। आप देखिए, प्रदर्शन के लिए आप क्या उपयोग करते हैं, मॉनिटर का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में, तो यही ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 82, गेम खेलना किससे आसान होता है, अर्थात या कहा जाए गेम में किस इनपुट डिवाइस का, खेल में किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ज़्यादा होता है या पूछा जाए आपसे, तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जॉयस्टिक जो है खेल से संबंधित इनपुट डिवाइस है। ठीक, 83 क्वेश्चन,
कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी मॉडिफायर, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार की कुंजियों को, इस प्रकार की कीज को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मॉडिफायर की। 84 क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, 84 क्वेश्चन आपका। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बारकोड, ऑप्शन बी स्कैनर्स, ऑप्शन सी प्राइसेस, ऑप्शन डी कोड। तो बारकोड कहा जाता है। आप देखिए शॉपिंग मॉल में और कहीं पे भी जाते हैं तो पीछे कई सारी लाइन से लगी होती हैं और उसको स्कैन कर लिया जाता है तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिल जाते हैं, तो इन्हें बारकोड्स कहा जाता है। ठीक, चलिए 85 क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? ठीक, या OCR स्टैंड फॉर। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। पहला ऑप्शन ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। OCR आपका इनपुट डिवाइस है जो कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 86 नंबर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लॉटर और ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो इन चारों ऑप्शन को देख के आपको लगा होगा टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसके लिए, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक, 87 व्यक्तिगत कंप्यूटर है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी ये सभी। तो याद रखिएगा कि ये आपके जो तीनों हैं ये सभी क्या है, साधारण स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन सबसे साधारण पूछ रहा है, मतलब से आपका साधारण जो डिवाइस है वो फ्लॉपी डिस्क होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और डी ये सभी। तो सबसे आसान जो होगा, सबसे साधारण जो स्टोरेज डिवाइस है वो फ्लॉपी डिस्क, हालांकि अब इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। 88 मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ये भी खूब पूछा जाता है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस तरह से नापा जाता है या कैसे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन बी डायगोनली, ऑप्शन सी जिगजैग और ऑप्शन डी वर्टिकली। तो आपको पता होगा डायगोनली मापा जाता है, मतलब विकर्ण जैसे आप मापते हैं वैसे डायगोनली रूप में मापा जाता है किसकी, मॉनिटर का डिस्प्ले आकार। ठीक है, 89 क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में, फिर से ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्कैन, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप हूबहू स्कैन करना चाह, मतलब हूबहू चाहते हैं आपके कंप्यूटर पर दिखाई दे, तो वो स्कैनर के द्वारा संभव है। 90 क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? या कहा जाए कंप्यूटर माउस का आविष्कारक कौन है, या कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया? तीनों प्रश्न एक ही हैं, रूप बदला हुआ है। तो पहला है आपका विलियम इंग्लिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन सी रोबोट जवाकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 90 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डगलस एंजलबर्ट माउस के जन्मदाता या माउस के आविष्कारक हैं। 91 क्वेश्चन, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहने का तात्पर्य है, जब पीसी पे हम कोई पर्सनल कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी काम करते रहे तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कहीं स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन वो काम तो आपका होता है, तो वो कहाँ पे सेव होता है, किस प्रकार की मेमोरी में सेव होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी CD-ROM। तो आपको पता होना चाहिए रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी का जो आपका पार्ट है उसमें सेव होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही हो जाएगा 91 के लिए। 92 क्वेश्चन, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? पूछ रहा है आपसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। ऑप्शन ए बाहरी, ऑप्शन बी भीतरी, ऑप्शन सी सहायक और ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भीतरी।
कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को भीतरी मेमोरी कहा जाता है। 93 क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? ऑप्शन एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी वोलाटाइल, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो एक्सटर्नल आपका वाह आपका मेमोरी आप से संबंध रहता है किसका, फ्लॉपी डिस्क का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 94 रैम किस तरह की मेमोरी है? ऑप्शन ए बाहरी, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी भीतरी और ऑप्शन डी मुख्य। तो रैम आपका मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, याद रखिएगा रैम आपका प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, निम्न में से कौन रैम नहीं है? देखिए रैम आपका दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये उनके अलावा जो आपका होगा वो, तो पी रैम एस सॉरी ऑप्शन ए पी रैम, ऑप्शन पी डी रैम, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी एस रैम। तो आपको पता होना चाहिए फ्लैश तो अलग ही हो गया टॉपिक, अलग ही बात होगी। तो पी रैम ऑप्शन ए जो है आपका ऑप्शन ए है वही आपका सही होगा। पी रैम जो है निम्न में से रैम नहीं होगा, ऑप्शन ए से। 96 सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैसे, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी फ्लैश, ऑप्शन डी बफर। तो 96 का ए ऑप्शन सही होगा, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। 97 इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन ए वर्चुअल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। 98 किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। किस प्रकार की मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी सी डी, ऑप्शन डी डिस्क। तो ऑप्शन ए रैम आपका सही होगा, 98 का रैम आपका सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? याद रख पूछ रहा क्वेश्चन आपसे, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, और ये सभी इसमें आपका ऑप्टिकल डिस्क सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 100 सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं? 100 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक, ऑप्शन डी परसिस्टेंट। सॉरी ये दोनों ऑप्शन बी और सी कॉमन है, मतलब सेम हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी और सी दोनों सही होंगे, यहाँ पे मैंने सी आपको बताया गया। ठीक है, 100 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 101 सीडी से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क से आप क्या कर सकते हैं, या कॉम्पैक्ट डिस्क कितने टाइप का होता है, इससे ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला पढ़ सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, डी या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। देखिए सी डी रोम और सी डी आर, सी डी रोम भी आपका तो रीड ओनली होता है और राइट भी हो जाता है, तो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। 102 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी मेमोरी डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये सभी। तो 102 का सी क्वेश्चन, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन 103 क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि ये जो है प्रोग्राम और डेटा के बीच में अंतर समझती है। डीवीडी उदाहरण है, डीवीडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो डीवीडी का उदाहरण है, पहला आउटपुट डिवाइस, बी हार्ड डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क और डी ऑब्जेक्ट डिस्क। सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्टिकल डिस्क। 105 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? ये आप जानते होंगे, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्राथमिक स्टोरेज और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें ये तीनों को प्रमुख मेमोरी कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों आज के सेट के लिए इतना ही, आप
सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत सामान्य प्रकार के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको अगर कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक, धन्यवाद।